नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहा संयुक्त किसान मोर्चा आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेगा। इस किसान संसद की इजाजत कोविड शर्तों के साथ मिली है। उधर बीकेयू के किसान नेता राकेश टिकैत ने आज संसद घेराव का इरादा जताकर पुलिस को चुनौती बढ़ा दी है। किसानों के मुद्दे पर सरकार से दो दो हाथ का नया राउंड शुरू हो रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष समिति आज से संसद सत्र चलने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। इस कवायद का नाम प्रदर्शनकारी संगठनों की ओर से रखा गया है किसान संसद। डीडीएमए से मिली इजाजत के मुताबिक अधिकतम 200 की संख्या में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर आकर प्रदर्शनकारी अपनी किसान संसद चलाएंगे। आज से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों का मोर्चा जंतर मंतर पर डटा रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होकर किसान एक साथ लगभग 5 बसों में भरकर जंतर मंतर की तरफ सुबह 10 बजे रवाना होंगे। सिंघू बॉर्डर के अलावा किसी और बॉर्डर से किसानों का कोई भी जत्था जंतर मंतर की ओर नहीं जाएगा। इस प्रदर्शन में शामिल लगभग 40 संगठनों के 5-5 किसान अपने प्रदर्शन में हर रोज शामिल होंगे और उन्हीं 5 किसानों में से एक को मॉनिटर बनाया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की परिस्थिति में उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। 200 लोग जाएंगे, उनको आइडेंटिफाई करके हम लेके जाएंगे। पिछला जो एपिसोड था, जिस ट्रैप में हम फंसे थे, उस ट्रैप को अवॉइड करने के लिए कोई गलत तत्व हमारे मोर्चे में शामिल ना हो। एक तो नंबर ऑफ फार्मर्स को हमने सीमित रखा और आइडेंटिफाई करके हर संगठन का एक कोटा तय कर दिया। उस कोटे के हिसाब से सूची मंगा ली गई है। संयुक्त किसान मोर्चा जंतर मंतर पर किसान संसद का आयोजन करेगा, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत संसद घेराव का इरादा रख रहे हैं। परमिशन नहीं मिलेगी तो जाएंगे, जहां उनको रोकना होगा वो रोक लेंगे। हमको वैसे थोड़ा जा रहे कि चोरी छुपे जा रहे के जा रहे, भाई ऐसा भी नियम कर रहे कि 20-20 आदमी को 10-10 आदमी को गाड़ी भेज के जा रहे, आप वहां पर चल जाओ, तो उस तरह का भी हमारा वो नहीं है। हम जो जा रहे बता कर जा रहे, और लोकतांत्रिक देश में इससे सरलता से आंदोलन करने का कौन सा तरीका है वो तरीका बता दो। पुलिस किसी भी तरीके से नहीं परमिशन देती है तब भी आप जाएंगे? और क्या करेंगे, फिर भी नहीं जानेंगे। पुलिस अगर परमिशन नहीं देंगे तो जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लो, यही तो होता है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसान संगठनों के बीच पिछले साल नवंबर से तनातनी चल रही है। एक बार फिर से किसान संगठनों के तेवर के मद्देनजर अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षा अलर्ट जारी कर संवेदनशील इलाकों में जाने से बचने को कहा है। किसान संगठनों के 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च में दिल्ली में हुए उपद्रव के बाद सतर्कता बढ़ी है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।